हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑरस एकेडमी। मैं हूं नितिक कुमार और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जेई मेन पीवाईक्यू, जिस मैथ सेगमेंट का, ठीक है। और आज हम यहां पे जनवरी शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे मैथ सेगमेंट का। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव दिस फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है फॉर थ्री पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर, ये रिलेशन दिया गया है एक्स पे पावर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई पे पावर क्यू आर इक्वल टू जेड पे पावर पी स्क्वायर आर, और आर और पी क्यू में ये रिलेशन दिया गया है। और आगे ये बताया जा रहा है कि 3 log x base y 3 log y base z और 7 log z base x क्या है, एपी में है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हाफ है। तो मुझे आर माइनस पी माइनस क्यू की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। एक्स पे पावर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई पे पावर क्यू वन इक्वल टू जेड पे पावर पी स्क्वायर आर, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया गया है, आर इक्वल टू पी क्यू प्लस वन। इसके अलावा और क्या दिया गया है, तो ये दिया गया 3 log x base y 3 log y base z, ठीक है, 7 log z base x। ये क्या है, एपी में है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, हाफ दिया गया है, राइट। क्वेश्चन ये है, हमें आर माइनस पी माइनस क्यू की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हम लोग इसको क्या सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर लॉग एक्स इक्वल्स टू क्यू आर लॉग वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर आर लॉग जेड, ठीक है। हमने क्या किया, हर जगह लॉग ले लिया है। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। ये कैसे लिख रहे हैं, इस दोनों को इक्वल करके। तो यहां से आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, क्योंकि क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। उसी तरह अगर मैं यहां से यहां देखूं तो ये आ जाएगा लॉग वाई बाई लॉग जेड। तो log y बाई log z कितना है, पी स्क्वायर आर अपॉन क्यू आर, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू। उसी तरह अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूं तो यहां से आ जाएगा log x अपॉन log z इज इक्वल्स टू, यहां से p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी आर अपॉन क्यू एल क्यू स्क्वायर, ठीक है। आयो यहाँ पे क्लैरिटी है। अब ये बोल रहा है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना, हाफ है, तो मैं यहां से ये यूज कर सकता हूं कि दिस माइनस दिस करूं तो हाफ आ जाए। तो मैं यहां से लिख रहा हूं 3 log x base y - 3 is nothing but half, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो ये यहां से आ जाएगा log x बेस y, तो 3 + 7/2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 7/6। तो यहां से log x अपॉन log y, ये कौन सा थ्योरम लगा रहे, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/6। अब log x अपॉन log y की वैल्यू यहाँ पे r अपॉन pq दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r अपॉन pq इज इक्वल टू 7/6। एक और रिलेशन दिया गया था r इक्वल टू pq प्लस 1, तो PQ की जगह पे R माइनस 1 पुट कर देते, तो ये आ जाएगा R माइनस 1 7/6। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, R की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। उसी तरह इसको इसमें पुट कर दीजिएगा तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। R की वैल्यू आ गई 7, PQ की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि R की वैल्यू मुझे निकल गया, P इंटू क्यू की वैल्यू 6 निकली है, मुझे P और Q निकालना पड़ेगा, तो इसको और हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, 3 log x base y का अगर मैं डबल कर दूं टू बी इक्वल टू a प्लस सी, डेट इज 3 + 3 log y base z, ठीक है। हमने क्या किया, 2 into middle term equals to this plus this कर दिया, राइट। तो अब आप यहां पे देखिए log
एक्स अपॉन लॉग वाई, लॉग एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, राइट। तो लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई की वैल्यू आर बाई पी क्यू है, और आर बाई पी क्यू की वैल्यू 7/6 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 × 7/6 × 2 = 3 + 3 log y बेस z, log y बेस z को हम लोग ये लिख सकते हैं, और यहां पे p स्क्वायर अपॉन q आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहां से 3 × 2 = 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, 7 − 3 = 4 आ गया, तो यहां से आ जाएगा 3p² = 4q, क्लियर है। अब मैं इस pq को यहां पर यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैं p से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3pq = 4pq आ जाएगा, और ये 4 × pq की वैल्यू 4 × pq = 6 है, तो यहां 24 आ जाएगा। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर p की वैल्यू 2 आती है तो यहां पे पुट करने के बाद q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 आ जाएगी। तो यहां पे हमें r, p और q की वैल्यू निकल गई, तो मुझे क्या निकालना, r माइनस p माइनस q, राइट, क्या निकालना है, r माइनस p माइनस q। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं r की वैल्यू कितनी आई है, 7, p की वैल्यू कितनी आई है, 2, और q की वैल्यू 3। तो इन सबको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, राइट। तो आई होप क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि एक जीपी है, इसका फोर्थ टर्म कितना है, 500 है। एक जीपी इसका फोर्थ टर्म कितना है, 500 है, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/m है, और ये बोल रहा है m क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर क्या बोल रहा है, sn डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और यहाँ पे दिया गया s6 बड़ा है s5+1 से, और यहाँ पे s7 छोटा है s6+2 से। तो मुझे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m बताना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि t4 कितना दिया गया, तो t4 500 दिया गया है, ठीक है, T4 कितना दिया गया, 500 दिया गया, और T4 का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं A × RQ, RQ कितना है, 500, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या दिया गया है, 1/m, तो कुछ नहीं, इस R की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो A = कितना आ जाएगा, 500 m³, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें क्या दिया गया, नेक्स्ट Sn रिप्रेजेंट कर रहा है n टर्म्स का समेशन, और ये रिलेशन दिया गया है, तो इस रिलेशन को मैं यहां लिखता हूं, s6 क्या है, s5 से बड़ा है +1, ठीक है। तो मैं यहां से s6 − s5 > 1 लिख सकता हूं, ठीक है, एक तो यहां से ये आ गया। उसी तरह इसको अगर मैं डिकोड करूं तो s7 − s6 क्या हो जाएगा, 1/2 से छोटा हो जाएगा, क्लियर है। यहां पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, Sn − Sn − 1 जो है वो क्या होता है, Tn होता है, Sn − Sn − 1 क्या होता है, Tn होता है। तो अगर मैं यहां पे यूज करूं इस फॉर्मूला को, तो मैं यहां लिख सकता हूं S6 − S5 कितना हो जाएगा, T6, तो मैं यहां लिख रहा हूं T6 बड़ा है 1 से, और यहां से मैं यूज कर रहा हूं T7 छोटा है 1/2 से, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, T6, तो A की वैल्यू मुझे पता है 500 m³, कॉमन रेशियो कितना है, 1/m, तो ये आ जाएगा 1/m⁵ > 1, और यहां से क्या लिखेंगे, A की वैल्यू क्या है, 500 m³ × r⁶, तो r कितना हमारा, r है हमारा 1/m⁵ कितना हो जाएगा, 6 < 1/2, ठीक है, क्लियर है। अब इस दोनों ही इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ m⁵ है या m³ है, कैंसिल होगा, m² उधर जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m² 500 से छोटा है, और यहाँ पे मैं m³ से m³ उड़ा दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m³ बड़ा है 1000 से, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, m बड़ा है 10 से, तो ये बोल रहा है m 10 से बड़ा है और m² 500 से छोटा है, तो 500 का रूट अगर मैं लूंगा तो ये आएगा लगभग 22 के आसपास, तो मैं यहां से लिख सकता हूं m 22 point something से छोटा है और m 10 से बड़ा है, तो इन सबको मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, m नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, तो m की वैल्यू 11 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, डॉट 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 कितना तक आएगी, 22 तक आएगी,
ठीक है, तो बोल रहा है कि ऐसे कितने वैल्यूज है एम के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किए हैं। तो यहां से यहां तक काउंटिंग कीजिएगा तो एम की 12 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो एम की 12 वैल्यूज आएंगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू 12, ठीक है। तो आई होप दिस समझ में आ रहा है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सिक्वेंस एंड सीरीज का, और वो भी स्पेशल सीरीज, वो सिग्मा आर क्यू के फॉर्मूले पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिस अपॉन दिस 9/5 है, तो मुझे एन क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आर क्यू है, और नीचे यहां देखिए ये स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, फर्स्ट टर्म 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो अगर मुझे इसका आर एथ टर्म लिखना होगा तो मुझे पता है कि आर पहले आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, फिर क्या है मल्टीप्लाई है, राइट। उसके बाद कौन सा शुरू हो रहा है, 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो इन सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2r, और r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 आ गया, लेकिन मुझे 3 चाहिए तो मुझे 2r प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब क्या है, r की वैल्यू 1 से n तक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसी का वैल्यू मुझे दिया गया है 9/5, तो बोल रहे हैं इसको सॉल्व करके n की वैल्यू बताओ, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9/5। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। क्या हमने यूज किया, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और इधर सिग्मा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आ जाएगा n n प्लस 1 बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 9/5। अब मुझे इस सिंपल से इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये n प्लस 1, और इसको मैं 3 इंटू 2 लिख रहा हूं, तो ये 2 और ऊपर का एक n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो अब क्या बचा, तो अब यहां पर ये बच रहा है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 अपॉन, इधर क्या बचेगा, 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 9/5, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि n की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो n की वैल्यू है वो आती है 12, ठीक है, n की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 12। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 12 है, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A1 A2 A3, ये क्या है, 3 AP है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, मतलब ये तीनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है, और उसको D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म A1 का कितना है, A2 का कितना है, A+1 A+2 A3 का फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये AP है, ये A1 AP है, ये A2 AP है, और ये A3 AP है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है, इसका A है, इसका A+1 है, और इसका A+2 है। फिर क्या बोल रहा है, इन सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो D है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो डी है। अब इसने बोला है कि ए बी सी जो है वो 7th टर्म है, 9th टर्म है, 17th टर्म है, A1 A2 A3 का, इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 7th टर्म जो है वो क्या है, A है, ठीक है। उसी तरह 9th टर्म यहां पे क्या है, 9th टर्म यहां पे B है, और 17th टर्म क्या है, 17th टर्म इसका क्या है, C है, ठीक है।
यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एपी है, तीन एपी है, A1 A2 A3। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी का ए है, सेकेंड का A+1 है, थर्ड का A+2 है, इन सब का कॉमन डिफरेंस सेम है। सेवेंथ टर्म ए है, नाइन्थ टर्म A2 का बी है, और 17th टर्म A3 का क्या है, सी है। अब इसमें बोल रहे कि ये रिलेशन दिया गया है, तो हम लोग इस रिलेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा A-2B, और ये आ जाएगा 2B-C, और ये आ जाएगा C। 7-17 क्या हो जाएगा, -10, 17-17 0, यहाँ पे 17, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, ठीक है। और 1 क्या लोग वन ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा -10 +10 आ जाएगा इंटू 2B-C +70 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 70 दिया गया है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2B-C +7 इक्वल टू 0, 2B-C +7 इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ नहीं, इस डिटरमिनेंट को ओपन करना था, आपने इस डिटरमिनेंट को ओपन किया प्रॉपर्टी लगाकर, तो एक रिलेशन आ गया 2B-C +7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 29 दी गई है, ए की वैल्यू क्या है, 29 है, ठीक है। तो मैं क्या क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ वो देखिए, यहां पर देखिए, यहां पे फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और इसका सेवेंथ टर्म क्या है, 29 है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए प्लस 6D जो है वो 29 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल से T7 का फॉर्मूला लगाया है। फिर यहां पे एक और चीज क्या दिया गया, बी की वैल्यू, बी क्या है, नाइन्थ टर्म है, तो बी नाइन्थ टर्म है तो इसको T9 लिख दिया, और T9 का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A+1 प्लस कॉमन डिफरेंस डेट मीन्स 8 × D डेट इज 8D, तो ये B आ गया। और C कितना हो जाएगा, तो C है इस AP का जिसका फर्स्ट टर्म A+2 है, कॉमन डिफरेंस D है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म डेट इज A+2D, A+2 प्लस 17 टर्म है तो 16D आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बी सी पता है, इन सबको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बी और सी पता है, इन सबको इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां देखिए 2B-C चाहिए तो ये आ जाएगा 2A+2 प्लस 16D, माइनस सी करेंगे तो -A -2 -16D प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये सिंपल है। तो 16D से ये 16D कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7, A की वैल्यू कितनी आ गई, -7, तो A की वैल्यू -7 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 प्लस 6D इक्वल टू 29, तो यहाँ से D की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे A का वैल्यू पता चल गया, D का वैल्यू पता चल गया, मुझे क्या निकालना है, C-A-B, C की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं C-A-B, C की वैल्यू कितनी है, A+2 प्लस 16D, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A+2 प्लस 16D, A की वैल्यू क्या है, तो A की वैल्यू हमने यूज किया है, A की वैल्यू हमें 29 दी गई है, तो A की वैल्यू मैं 29 लिख देता हूं, -B की वैल्यू, तो B की वैल्यू हमने क्या लिखा है, B की वैल्यू लिखा A+1 प्लस 8D, राइट। तो यहां पे लिख रहा हूं A+1 प्लस 8D, माइनस के कारण साइन चेंज कर लिया, राइट, इस A से ये A कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 2-1 1 आ गया, 1-29 -28 आ गया, ठीक है। और ये 16D-8D कितना हो गया, 8D, और D की वैल्यू मुझे 6 पता है, D की वैल्यू क्या है, 6 पता है, राइट, तो D की वैल्यू 6 इसमें पुट कर देते हैं,
तो डी की वैल्यू अगर इसमें मैं 6 पुट करूं तो कितना आ जाएगा, 8 6 48 - 2 20, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, सॉरी सी माइनस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, सी माइनस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि मुझे सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, सी माइनस ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू क्या है, 20 है, जिसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या है, 20 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी बाई 12, और डी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 बाई 12 कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। मतलब अब एक नया क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो मुझे एस 20 निकालना है, तो मैं एस 20 यहां निकालता हूं, तो एस 20 का फॉर्मूला क्या होता है, 20/2 राइट इंटू 2a, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 20 प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब इन सबको सॉल्व कीजिएगा, इन सबको सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 10, 22 = 40 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 495 कैलकुलेट होने के बाद, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 495, ये आंसर आएगा 495, ठीक है, ये आंसर क्या आएगा, 495, इसको देख लीजिए। आई होप ये समझ में आया, तो ये क्वेश्चन था बेसिक लेकिन लेंदी था, है ना, 3-4 कंसेप्ट एक साथ अप्लाई हो रहे थे और कैलकुलेटिव था, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर है ए बी एंड 1/18, यह बोल रहा है दो पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब ए बी ग्रेटर देन 0 है, दूसरा ए बी 1/18 क्या है, जीपी में है, और 1/a 10 और 1/b क्या है, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो 16a प्लस 12b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको बार बार हम लोग इक्वेशन इक्वेशन में फॉर्म करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, ए बी और 1/18 क्या है, जीपी में है, 1/10 और 1/b क्या है, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। तो अगर ये ए बी 1/18 जीपी में है, ठीक है, और एक जगह दिया गया है 1/10, 1/b क्या है, एपी में है, तो मुझे 16a प्लस 12b की वैल्यू निकालनी, तो मैं यहां से एक रिलेशन लिख सकता हूं 2 × 10, मतलब 2 × मिडिल टर्म इज नथिंग बट 1/a प्लस 1/b, ठीक है, तो यहां से 1/a प्लस 1/b कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये एक रिलेशन आ गया, और इधर से मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर, मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, राइट, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू 1/18, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई 18, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इस दोनों को सिंगल वेरिएबल में मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 18 बी स्क्वायर, तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/18 बी स्क्वायर प्लस 1/b इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब यहां से हम लोग ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां से अगर मैं एलसीएम लू तो इसको ऐसे 18 भी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा 18 बी स्क्वायर इंटू 20 कितना हो जाएगा, 360, तो 360 बी स्क्वायर माइनस 18 बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 360 बी स्क्वायर माइनस 18 बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद b की जो वैल्यू आएगी वो मैं बताता हूं, b की वैल्यू यहां से सॉल्व करने के बाद अगर मैं यूज करूं तो ये आती है 18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, 18 का स्क्वायर 324 इंटू 4 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 1440, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 720, तो ऑब्वियसली बी हमारा क्या है, टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो निगेटिव वाला साइन नहीं लेंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस, और इधर से आ जाएगा
1764/720, तो इसकी वैल्यू तो 12 आती है, तो 12 + 18 कितना हो जाएगा 60, 60/720 कितना हो जाएगा 1/12, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/12, और इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 18 × 1/12 का स्क्वायर 1/144, तो ये कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है। तो मुझे 16a + 12b चाहिए, तो 16a + 12b की वैल्यू आ जाएगी 16 × 1/8 + 12 × b की वैल्यू कितनी है 12। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू है वो आ रही है 2 + 1 = 3, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 + 1 = 3। ये पीछे वाले का आंसर था, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 3 है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है, लेट A1, A2, A3 बी आर जीपी, और ये क्या है इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर का जीपी है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 9, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज 24, तो मुझे इन सब की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालना, राइट। तो यहां पे क्या दिया गया, A1, A2, A3 क्या है जीपी में है, और वो भी इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A1, A2, A3 .. ये क्या है जीपी में है, ये आंसर पीछे वाले का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म, मतलब T4 × T6 कितना है 9 है, और T5 + फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का एडिशन कितना है 24 है, तो T5 + T7 कितना हो गया 24। तो मुझे A1, A2 ये सब की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे, इट इज वेरी सिंपल, राइट। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं T4 × T6, T5 का होल स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं T5 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 9, क्योंकि ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर है, तो T5 की वैल्यू यहां से 3 ही आएगी, -3 नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीजिंग नंबर लेना है। तो इसकी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, T5 अगर 3 है तो मैं यहां से लिख सकता हूं AR^4 इज नथिंग बट 3, क्योंकि ये जीपी में है तो जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। अब यहां पर क्या दिया गया है, ये दिया गया, इसका यूज करते हैं, T5 कितना हो जाएगा तो AR^4, T7 कितना हो जाएगा तो AR^6, और ये कितना है 24 है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं AR^4 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 1 + R^2 = 24, तो इसको यहां पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 1 + R^2 = 24, तो R^2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 7, R^2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो अब मुझे A1, A9 इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां पे कितना दिया गया A1, A9, तो A1 को मैंने A लिखा, A9 को मैंने लिखा AR^8, यहां पे मैंने A2 × A4 × A9, तो इसको मैंने लिखा AR × A4 की वैल्यू AR³ × AR^8 + A5 को लिखा AR^4 और A7 को मैंने लिखा AR^6। अब मुझे इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मुझे AR^4 की वैल्यू 3 दी गई है, तो मैं इसको लिख सकता हूं A²R^4 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 9, और इधर से कितना आ जाएगा AQR^12, तो इसका क्यूब है, तो यहां पे मैं 27 लिख दूंगा, ठीक है। और यहां से मैं AR^4 कॉमन ले सकता हूं, तो AR^4 की वैल्यू 3 है × 1 + R^2, तो 1 + R^2 कितना हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 9 + 27 + 24, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 60 आ जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 60 है, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं आगे, ये पीछे वाले का आंसर है लेकिन आंसर 60 है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको एक बार पढ़िए, ए के बी के
और जहां पे के क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और ये दो जीपी है जिसका कॉमन रेशियो आर वन आर टू है, ठीक है, और ए वन बी वन की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे दिया गया आर वन आर टू से छोटा होगा, सी के को डिफाइन किया गया है ए के प्लस बी के, ठीक है, और सी टू की वैल्यू 5 है, सी थ्री की वैल्यू 13/4 है, तो मुझे इन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, जो वेरिएबल है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं और उसको इस सिग्मा में उठा के पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए वन दिया गया है, बी वन दिया गया है, ये सब 4 है, ठीक है, आर वन की वैल्यू क्या है आर टू से छोटा है, ठीक है, और सी के को डिफाइन किया गया है ए के प्लस बी के, के क्या है नेचुरल नंबर है, सी टू की वैल्यू हमारे पास दिया गया 5 है, सी थ्री की वैल्यू 13/4 है, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं ए के बी के रिप्रेजेंट कर रहा है जीपी, ठीक है, और उसका कॉमन रेशियो आर वन और आर टू है, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सी टू, सी टू की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी टू इक्वल्स टू ए टू प्लस बी टू, ये कैसे निकला के की वैल्यू 2 पुट करके, तो ये आ जाएगा सी टू इक्वल्स टू ए टू प्लस बी टू, ये कितना है 5 है। अब ए टू क्या है फर्स्ट वाले जीपी का सेकेंड टर्म, तो यहां से कितना आ जाएगा 4, ए टू को मैं ए वन इंटू आर वन लिख सकता हूँ, तो यहां से लिख दिया 4 आर वन प्लस बी टू को क्या मैं लिख सकता हूँ बी वन आर टू, तो बी वन की वैल्यू 4 है, तो 4 आर टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5, तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है सी थ्री की वैल्यू देखना है, तो सी थ्री कितना है, तो सी थ्री मैं लिख सकता हूँ ए थ्री प्लस बी थ्री, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 13/4, राइट। ए थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए वन, ए वन कितना है 4, और इधर से आर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर वन स्क्वायर आ जाएगा 4 आर वन स्क्वायर, बी थ्री कितना हो जाएगा उसका भी पहला टर्म 4 है, और कॉमन रेशियो कितना है आर टू, तो 4 आर टू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/4, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल टू 13/16, ठीक है। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि R1 वन प्लस आर टू का जो होल स्क्वायर प्लस R1 वन माइनस आर टू का जो होल स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, क्लियर है। तो मैं यहां से R1 वन प्लस आर टू की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 25/16, ये आ जाएगा R1 वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू दिस, तो 13/16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16, तो यहां से आ जाएगा आर वन माइनस आर टू या तो 1/4 होगा या -1/4 होगा। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं आर वन माइनस आर टू इक्वल टू 1/4, एक कंडीशन ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा आर वन माइनस आर टू इज 1/4, और अगर आर वन माइनस आर टू 1/4 ले रहे हैं तो आर वन प्लस आर टू कितना लेना पड़ेगा 5/4 यहां से, ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आर वन की वैल्यू आ जाएगी 3/4, ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है, और एक और रिलेशन क्या है, R1 माइनस R2 जो है वो -1/4 है, और R1 प्लस R2 जो है वो कितना है 5/4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। अब मुझे ये बोला गया है कि मुझे वही रिलेशन लेना है जिसमें R1 R2 से छोटा हो, तो R1 R2 से छोटा है, इसमें तो R1 R2 से बड़ा है, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा, ये वाला कंडीशन होगा जहां पे R1 की वैल्यू हाफ होगी और R2 की वैल्यू क्या होगी 3/4 होगी, ठीक है। तो मुझे सी के चाहिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी सी के माइनस 12 a6 प्लस 8 b4। तो सीके के लिए
मुझे ए के प्लस बी के पे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा के स्टार्टिंग फ्रॉम वन से इंफिनिटी ए के प्लस बी के, और ये आ जाएगा 12 इंटू ए सिक्स कितना हो जाएगा, तो ए सिक्स हो जाएगा फर्स्ट टर्म 4 है इंटू आर 1 रेज टू 5 प्लस 8 इंटू बी फोर कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 4 है इंटू आर 2 पे पावर 3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, एके क्या है हमारा इनफाइनाइट जीपी है राइट, तो एके के लिए समेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म डेट इज 4 अपॉन 1 माइनस आर 1, आर 1 कितना है, आर 1 है हाफ, तो यहां पे लिख देंगे 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस बीके, बीके का फर्स्ट टर्म क्या है फोर्थ, तो फोर्थ अपॉन इसका आर, आर 2 कितना है 1 माइनस 3 बाई 4, तो इससे ये सिग्मा कैलकुलेट हो गया राइट। अब मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 48 इंटू आर 1 पे पावर 5 प्लस 32 इंटू आर 2 पे पावर 3, ठीक है, अब मुझे बस ये वैल्यू कैलकुलेट करना राइट। तो आई होप अभी तक समझ में आ रहा है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 आएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 1 बाई 4 ऊपर जाके 16 हो जाएगा राइट, माइनस 48 इंटू आर 1 कितना है, तो आर 1 की वैल्यू 1 बाई 2 है, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 पे पावर 5, और ये कितना हो जाएगा 32 इंटू आर 2 कितना है 3 बाई 4, 3 बाई 4 पे पावर कितना हो जाएगा 3। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 48 बाई 32 कितना हो जाएगा 3 बाई 2, और ये आ जाएगा 32 इंटू 27 बाई 64, तो ये आ जाएगा 27 बाई 2, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 15 आ जाएगा, 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा 9, तो इसका सही आंसर क्या होगा 9, इसका करेक्ट आंसर क्या है 9 है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग वाला, ठीक है, क्वेश्चन तो इजी था, एन ए टर्म ऑफ जीपी से ही क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो आप वन बाय वन स्टेप अच्छे से कैलकुलेट करते जाएगा तो आंसर तक पहुंच जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, एक बार पॉज करके इसे अटेम्प्ट कीजिए। ये दिया गया है a1 इक्वल्स टू b1 है और इन सब की वैल्यू 1 है, a1 इक्वल्स टू b1 इक्वल्स टू 1 है राइट, an की वैल्यू जो है वो an माइनस 1 प्लस n माइनस 1 है, मैं यहां पे लिखता हूं a1 इक्वल्स टू b1 इक्वल्स टू क्या है 1 है, एक और रिलेशन क्या है an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस एन माइनस वन है, और बी एन कितना है, तो बी एन है हमारा बी एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन, ठीक है, और ये सब डिफाइन किसके लिए, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू के लिए, और एस को डिफाइन कैसे किया गया है, सिग्मा एन स्टार्टिंग फ्रॉम वन से टेन बी एन अपॉन टू रेज टू एन, और टी की जो वैल्यू डिफाइन की गई है वो ऐसे दिया गया है एन स्टार्टिंग फ्रॉम वन से एट एन बाई टू रेज टू एन माइनस वन, ठीक है, यहां पे सबकी वैल्यू दे दी गई है, और यहां पे टू रेज टू सेवन इंटू टू एस माइनस टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि आप 2s माइनस t को कैलकुलेट कीजिए और उसको 2 रेज टू 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरा कलर यूज कर रहे हैं राइट। यहां पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मुझे s और t को सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि ये सिग्मा फॉर्मेट में है राइट,
तो मैं क्या कर रहा हूं, एस इक्वल्स टू सिग्मा एन स्टार्टिंग फ्रॉम वन से टेन, इसको मैं बी एन बाई टू रेस टू एन लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एस इक्वल्स टू बी वन बाई टू प्लस बी टू बाई टू स्क्वायर डॉट 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 बी नाइन बाई टू रेस टू नाइन प्लस बी टेन बाई टू रेस टू टेन, क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रिलेशन दिया गया है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये एक रिलेशन दिया गया है, बी एन को कन्वर्ट करना है बी एन माइनस वन में, इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे बी एन माइनस वन का पैटर्न क्रिएट करना, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए एजीपी वाला मेथड है कि इसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एस बाई टू आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा बी वन बाई टू स्क्वायर, तो मैं बी वन बाई टू स्क्वायर को यहां ना लिख के यहाँ पे शिफ्ट करके लिखा, तो ये आ जाएगा बी वन बाई टू स्क्वायर, उसी तरह क्या आ जाएगा बी टू बाई टू क्यूब, और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो जब बी एन बी नाइन आएगा तो इसके नीचे बी नाइन ही आएगा, और लेकिन ये यहां पे आ जाएगा यहां पे बी टेन के नीचे क्या आएगा, तो देखिए यहां पे बी टू के नीचे बी वन है, ठीक है। उसी तरह बी टेन के नीचे क्या आ जाएगा बी नाइन अपॉन टू रेस टू टेन, और इधर आके क्या हो जाएगा बी टेन अपॉन टू रेस टू इलेवन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करके लिखूंगा, माइनस 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 माइनस, तो एस माइनस एस बाई टू कितना हो जाएगा एस बाई टू, ये आ जाएगा बी वन बाई टू, और इधर क्या आ जाएगा बी टू माइनस बी वन का हो बी टू माइनस बी वन अपॉन टू स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी थ्री माइनस बी टू अपॉन टू क्यूब, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ये आ रहा है बी टू माइनस बी वन बाई टू स्क्वायर, फिर आ रहा है बी थ्री माइनस बी टू अपॉन टू क्यूब डॉट डॉट डॉट, इधर आ जाएगा बी टेन माइनस बी नाइन बाई टू रेस टू टेन, और ये कितना आ जाएगा बी टेन अपॉन टू रेस टू इलेवन, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बी वन की वैल्यू दी गई है तो ये वन बाई टू हो जाएगी, ठीक है, और बी टू माइनस बी वन की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो बी टू माइनस बी वन यहां से आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बी एन इक्वल्स टू बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन, तो यहां से मैं बी एन माइनस वन कितना आ जाएगा ए एन माइनस वन, ठीक है। तो बी टू माइनस बी वन अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो बी टू माइनस बी वन कितना आ जाएगा ए वन, तो इन सबको हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए वन बाई टू स्क्वायर ए टू बाई टू क्यूब डॉट डॉट डॉट, राइट। तो इसको मैं लिखने के लिए यहां से इसको इरेज करता हूं, ठीक है। इसको देखिए s बाई टू इक्वल्स टू बी वन बाई टू कितना हो जाएगा वन बाई टू, क्योंकि b1 की वैल्यू वन पुट कर दिया। b2 माइनस b1 को मैं क्या लिख सकता हूं a1, b2 माइनस b1 को a1 लिख सकता हूं, तो a1 बाई टू स्क्वायर, इसको मैं a2 बाई टू क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये किसको इसको क्या लिख सकता हूं a9 बाई टू रेस टू टेन, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं b10 अपॉन टू रेस टू इलेवन, राइट। s बाई टू को मैंने b1 की वैल्यू पुट किया, b2 माइनस b1 को a1 लिख दिया, b3 माइनस b2 को a2 लिख दिया, b10 माइनस b9 को a9 लिख दिया डॉट डॉट डॉट, और ये माइनस b10 अपॉन टू रेस टू इलेवन को एज इट इज लिखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं a1 की वैल्यू को यहां पे वन यहां पे पुट कर देता हूं, एक काम करते बाद में पुट करते हैं, इसको मैं फिर से
सिमिलर वे में सॉल्व कर रहा हूं, इसको 1/2 से और सॉल्व मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा एस बाई फोर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/4 प्लस, ये कितना आ जाएगा a1/2³ को यहां पर लिख देता हूं a1/2³, फिर क्या आ जाएगा a2/2⁴ डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मतलब नीचे वाला एक पावर बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा a9/2⁻¹। ऐसे लिख रहे हैं, मैंने क्या किया 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा, a1/2² को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे a1/2³ हो जाएगा, इसको शिफ्ट करके लिख, ये a2/2⁴ आ जाएगा, ये आ जाएगा a9/2⁻¹, और इसके पीछे 8/2⁻¹ आएगा, और ये b10/2⁻¹² हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इससे माइनस कर रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से n-n-1 का पैटर्न बनाना है, वही मैं पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो s/2 − s/4 कितना हो जाएगा s/4, 1/2 − 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, a1 कितना है हमारा 1 है, तो यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4, इसको मैंने लिखा a2 − a1/2³, ठीक है, और इधर से आ जाएगा a3 − a2/2⁴ डॉट 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 चलेगा, और ये कितना चलेगा a9 − a8/2⁻¹, और इधर कितना आ जाएगा −b10/2⁻¹ − a9/2⁻¹ प्लस b10/2⁻¹, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस a2 − a1 को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये an − an−1 का यहां से पैटर्न बन सकता है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो मैं यहां से लिख रहा हूं an − an−1 इज नथिंग बट n−1, राइट, an − an−1 इज नथिंग बट n−1। अब यहां पे आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये a2 − 1 बन रहा है जो कि ऐसा दिया गया है, ठीक है, ये a3 − a2 बन रहा है जो कि यहाँ पे सेम पैटर्न में हम लोग लिख सकते हैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ s/4 = 1/4 + 1/4 1/2 हो जाएगा a2 − a1, दैट मींस an − an−1, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 1 आ जाएगा, तो ये यहां पे लिख सकते हैं a1/2³, इधर क्या आ जाएगा 2/2⁴, यहां आ जाएगा 2/2⁴, आगे क्या आ जाएगा 3/2⁵, और ये चलता रहेगा, इधर क्या आ जाएगा (8/2⁻¹ − b10/2⁻¹ प्लस (b10/2⁻¹ माइनस a9/2⁻¹। इसको और मैं क्लियरली लिखता हूं दूसरे पेन का यूज करके, ये आ जाएगा −b10/2⁻¹ − a9/2⁻¹ प्लस b10/2⁻¹, ठीक है, यही लिखा गया। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इन सब की वैल्यू को देखना पड़ेगा,
तो यहां पे इसके लिए टी का एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इस टी के एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये कितना है, वन अपॉन, अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो ये क्या है, वन अपॉन, अगर एन की वैल्यू वन रखू तो वन अपॉन टू रेज टू जीरो, एन की वैल्यू टू रखू तो टू अपॉन टू रेज टू वन, ऐसे चलेगा। तो वन अपॉन टू रेज टू जीरो, टू अपॉन टू पे पावर वन, ऐसा कैलकुलेट करना है तो वन बाई टू क्यूब को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एस बाई फोर इक्वल्स टू वन बाई टू प्लस वन बाई एट, तो ये आ जाएगा वन बाई टू रेज टू जीरो, ये आ जाएगा टू बाई टू रेज टू वन, ये आ जाएगा थ्री बाई टू रेज टू टू, डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा एट बाई टू रेज टू सेवन, और ये आ जाएगा बी टेन अपॉन टू रेज टू इलेवन, और ये आ जाएगा माइनस ए नाइन अपॉन टू रेज टू इलेवन प्लस बी टेन बाई टू रेज टू ट्वेल्व। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इरेज करते हैं, राइट। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट ठीक है, इजी है, डुएबल है। ये एक्सप्रेशन दिया गया, राइट। अब मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करने जा रहा हूं, एन की वैल्यू वन से कहां तक है, एट तक है, टू रेज टू जीरो से ये टू रेज टू सेवन तक है, राइट। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग टी लिख सकते हैं, यहां पे ये टी यही बोल रहा है। तो यहां से कितना आ जाएगा, एस बाई फोर इक्वल्स टू वन बाई टू प्लस वन बाई एट इंटू टी माइनस बी टेन बाई टू रेज टू इलेवन माइनस ए नाइन बाई टू रेज टू इलेवन प्लस बी टेन अपॉन टू रेज टू ट्वेल्व। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी है। ठीक है, अब देखिए मुझे मेरा क्या है, एस और टी में रिलेशन आ चुका है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बी टेन ए नाइन, बी टेन की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लू, इनफैक्ट इस बी टेन को अगर मैं कन्वर्ट कर लू तो ये कितना आ जाएगा, बी टेन बाई टू रेज टू ट्वेल्व माइनस बी टेन अपॉन टू रेज टू इलेवन। तो इसको अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी टेन माइनस टू बी टेन कितना हो जाएगा, माइनस बी टेन अपॉन टू रेज टू ट्वेल्व। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस दोनों को सॉल्व करके मैंने यहां पे लिख दिया माइनस बी टेन अपॉन टू रेज टू ट्वेल्व। ठीक है, और इसको हटा दिया, बस अब मुझे सारा वैल्यू मिल चुका है, बस मुझे बी टेन और ए नाइन की वैल्यू कैलकुलेट करके रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं एट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा टू एस इक्वल्स टू एट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा, इधर टी आ जाएगा, एट से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये बी टेन अपॉन टू रेज टू नाइन माइनस ए नाइन अपॉन टू रेज टू एट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 2s माइनस टी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस बी टेन अपॉन टू रेज टू नाइन माइनस ए नाइन अपॉन टू रेज टू एट। ठीक है, तो ये मेरा 2s माइनस टी का एक्सप्रेशन आ गया, और मैं इसको 2 रेज टू सेवन से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो ये आ जाएगा 2 रेज टू सेवन और इधर कितना आ जाएगा 2s माइनस टी इक्वल टू टू रेज टू सेवन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज टू नाइन माइनस बी टेन अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस ए नाइन अपॉन टू। ठीक है, बस मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी थी, वो इसमें कन्वर्ट हो गई, अब मुझे ए नाइन और बी टेन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ए नाइन और बी टेन की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मुझे क्या दिया गया, ये रिलेशन दिया गया, ए एन माइनस वन इज नथिंग बट एन माइनस वन, और एन की वैल्यू अगर मैं टू पुट करूं तो ये आ जाएगा ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू वन, ए थ्री माइनस ए टू इक्वल्स टू टू, ऐसे ही चलता रहेगा। ये आएगा ए नाइन माइनस ए एट इक्वल्स टू एट। ठीक है,
और अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये ऐसे ऐड होना शुरू हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा A9 माइनस A1 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 8, और ये आ जाएगा 8 × 9 = 72/236। तो A9 की वैल्यू, A1 की वैल्यू तो 1 है, तो A1 की वैल्यू 1 यहां पे पुट करने के बाद ये आ जाएगा 37। तो A9 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे और B10 के लिए निकालते हैं। तो यहां पे मैं B10 के लिए निकालता हूं, तो ये रिलेशन दिया गया BN, BN इक्वल्स टू BN माइनस 1 प्लस AN माइनस 1, राइट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं BN माइनस BN माइनस 1 इक्वल्स टू AN माइनस 1, ठीक है। तो मुझे B10 निकालना है तो B10 निकालते हैं, तो ये आ जाएगा, देखिए यहां पर 1 पुट 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा B2 माइनस B1 इज नथिंग बट A1, B3 माइनस B2 इज नथिंग बट A2, B4 माइनस B3 इज नथिंग बट A3, डॉट डॉट डॉट, B10 माइनस इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा B9 इक्वल्स टू A9। और अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये ऐसे 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 कैंसिल होना शुरू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B10 माइनस B1 इज नथिंग बट A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A9, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, A9 की वैल्यू A1 A2 A3 डॉट 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 A9 तक मैन्युअली कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां पर बच्चे लोग, यहां पे B10 माइनस B1 की वैल्यू तो 1 है, तो 1 पुट कर दिया, A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, A1 की वैल्यू 1 है, यहां से मैं यूज कर रहा हूं An माइनस An माइनस 1 इक्वल्स टू N माइनस 1। तो N की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 1, राइट। और A1 की वैल्यू हमें 1 दिया गया है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और उसी तरह अगर A3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 2, तो A2 की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 4। उसी तरह A4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 3, तो 3 प्लस A3, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, राइट। उसी तरह A5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो उसके लिए मुझे A5 माइनस A4 इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, 4। और A4 की वैल्यू 7 है तो 7 + 4 = 11 हो जाएगा। तो आप यहां पर देखिए 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, ठीक है। तो मुझे A6 निकालना है, तो मुझे A6 निकालना है, तो A6 कितना हो जाएगा, 11, 1, 2, 3, 4, तो इधर 5 का गैप होगा तो 11 × 5 = 16 आ जाएगा। A7 इसमें कितने का गैप हो गया, 5 का, तो अगली बार 6 का, दैट इज 22 आ जाएगा। A8 निकालेंगे तो आप कितने का गैप हो गया, 6 का, तो अगली बार 7 का, दैट मीन्स 29 हो जाएगा। अगली बार गैप कितने का होगा, 8 का, तो A9 कितना हो जाएगा, 37। तो हमने A9 निकाल लिया, B10 निकाल लिया, अब इन सब की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, और पुट करने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है 2^7 × 2s − t की वैल्यू, उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके रखा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। तो बच्चे लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आता है 461, ठीक है। इन सब की वैल्यू को मैंने बताया, इन सब की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 461। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, कैलकुलेटिव था, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही पेशेंस की जरूरत है, राइट। जैसा कि हमने देखा 3-3 सिग्मा को हमने सॉल्व किया, फिर वैल्यू निकाला A1 A2 A3 की वैल्यू, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये एश्योर हो जाना चाहिए कि जो भी इजी क्वेश्चन है क्या हमने उसे आंसर कर लिया, फिर ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, An का वैल्यू दिया गया है,
मुझे A1 से लेकर A25 तक के ऐड करके वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता है ही। तो यहाँ पे क्या है, 4n² - 16n + 15, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 60 आएगा, और 60 का फैक्टर 10 और 6 होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2 / 4n² - 10n - 6n + 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना जाएगा, -2 / 2n कॉमन ले लेते हैं तो 2n - 3 आ जाएगा, और इधर से 2n - 5 आ जाएगा। और यहां तक हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है ऊपर लिखा गया है, यही मेथड ऑफ डिफरेंस है। तो an को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 2n - 5 - 2n - 3 / कितना हो जाएगा, 2n - 3 - 2n - 5, ठीक है। और इसको अगर मैं पार्शियली अलग करूं, सेपरेट करूं, तो ये आ जाएगा 1/2n - 3 - 1/2n - 5, ठीक है। मुझे इसी एन पे सिग्मा अप्लाई करना है, और एन की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जानी चाहिए, 25 तक। इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करूं या इस सिग्मा को सॉल्व करूं, जहां पे एन की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी, 25 तक जाएगी, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस तो क्रिएट हो चुका है, वैल्यू को पुट करते हैं, फिर कैंसिलेशन होगी, राइट। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये 1/2 - 3 - 1/1 बनेगा, और एन की वैल्यू 1 यहां पे पुट करेंगे तो कितना बनेगा, -1/2 - 5 कितना हो जाएगा, -3, राइट। एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 * 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1/1, और इधर कितना आ जाएगा, 4 - 5 डेट इज -1/1, ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 25 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/47, और इधर आ जाएगा 25 * 50 - 5 डेट इज 1/45, राइट, डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो ये ऐसे ऐड होगा, तो एक ये टर्म बचेगा और एक ये टर्म बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 1/47 + 1/3, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आता है वो 50/141 आता है, 50/141, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप अभी तक सब सही चल रहा है, आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है सिग्मा के ऊपर क्वेश्चन है, जिसमें सिग्मा एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to ∞ है, और ये एक्सप्रेशन दिया गया है (n³ × 2n⁻²) + (2n-1)×(n⁻²)/(n⁻²)×(2n⁻²), और उसकी वैल्यू दी गई है (ae + b/c + c), वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड ए की वैल्यू दी गई है सिग्मा एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to ∞ (1/n⁻²), देन (a²-b+c) की वैल्यू बतानी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिग्मा को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि सिग्मा को सॉल्व करने के क्रम में जो सिग्मा 1/n⁻ आएगा उसको e के टर्म में पुट कर देंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको इससे इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। यहां पर देखिए, सबसे पहले मुझे तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिया गया है (n³ · 2n - 1)/(n⁻²)/(n⁻²)/(2n⁻²), ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, इसको सेपरेट कर देते हैं। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो ये आ जाएगा (n³ · (n⁻²)/(n⁻²)/(2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 n
2n फैक्टोरियल, क्लियर है? मैंने क्या किया, दिस अपॉन दिस क्या, तो 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल गया,
एन क्यू अपॉन एन फैक्टोरियल हो गया, और इसको 2n-1 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा अपॉन 2n फैक्टोरियल। अब मुझे क्या करना है, किसी भी तरह ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, हिटन ट्रायल करके इस पूरे एक्सप्रेशन को किस फॉर्मेट में ब्रेक करना है, इस फॉर्मेट में, ताकि उसकी वैल्यू को क्या पुट कर सके, ई पुट कर सके, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को मैं ऐसे सोच रहा हूं कि इसको मैं लिख दूं 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, और इसको अगर मैं कैंसिल करके लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2n-1 फैक्टोरियल, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा 1/2n फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, इस दोनों को सेपरेट किया, तो 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल को 1/2n-1 फैक्टोरियल लिख दिया, -1/2n फैक्टोरियल लिख दिया, क्लियर है। अब मैं इसे एन क्यू को देख रहा हूं, तो इस एन क्यू अपॉन एन फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि ये a बाय एन फैक्टोरियल है प्लस b बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल है प्लस c बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल है। आप बोलोगे सर आपने तीन ही टर्म क्यों लिया, क्योंकि एन क्यू के टर्म में, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा एन फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा ए प्लस एक और टर्म ले लेते हैं डी अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। इस पूरे को एबीसीडी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा एन फैक्टो एलसीएम आ जाएगा एन फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा बी एन, और इधर आ जाएगा सी एन एन माइनस वन, और इधर आ जाएगा डी एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है। अब मुझे एबीसीडी की वैल्यू निकालना है, ये आ गया एन क्यू अपॉन एन फैक्टोरियल, इस एन फैक्टोरियल से ये एन फैक्टोरियल जाएगा, तो एन क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी एन प्लस सी एन एन माइनस वन प्लस डी एन एन माइनस वन एन माइनस, ठीक है। अब मुझे ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो एन क्यू की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों सेम ही है, तो एन क्यू की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालने के लिए एन की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, ठीक है। ए की वैल्यू जीरो आ रही है, अगर ए की वैल्यू जीरो आ रही है तो उसको हटा ही देते हैं, राइट, क्योंकि हमने एन की वैल्यू जीरो रखा, तो जीरो इक्वल्स टू इधर का भी जीरो आ गया, तो ए खत्म हो गया। तो अगर मैं ये एन और ये एन हटा दूं, तो यहाँ एन स्क्वायर बन जाएगा, तो एन स्क्वायर आ जाएगा बी प्लस सी इंटू एन माइनस वन डी इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है। तो एन की वैल्यू मैं यहाँ पे वन पुट कर देता हूं, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो बी की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है, बी की वैल्यू वन आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, एन की वैल्यू को टू पुट कर रहा हूं, तो अगर एन की वैल्यू टू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा फोर इक्वल्स टू वन प्लस सी प्लस ये खत्म, तो सी की वैल्यू आ जाएगी थ्री। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं एन की वैल्यू कुछ भी पुट कर देता हूं, मान लीजिए मैं थ्री पुट कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा नाइन इक्वल्स टू बी प्लस बी की वैल्यू तो वन है, तो वन पुट कर रहा हूं, और यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने थ्री पुट किया था, तो टू सी, तो टू थ्री जा सिक्स आ जाएगा प्लस डी इंटू एन की वैल्यू मैंने थ्री पुट किया था, तो थ्री माइनस वन टू, और थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा टू डी। तो डी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी वन, तो मुझे ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकल चुकी है। अब इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं इन सबको हटा रहा हूं, ए तो है ही नहीं, तो ए को भी हटा दिया क्योंकि ए की वैल्यू जीरो थी, बी की वैल्यू मैंने वन निकाला है, तो बी की वैल्यू को मैं वन लिख रहा हूं, सी की वैल्यू थ्री है, तो सी की वैल्यू को मैं
लिख रहा हूं, और डी की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू को मैं 1 लिख रहा हूं। और इन सबको हटा देते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू निकल ही चुकी है। तो मैंने क्या बोला, एन क्यू अपॉन एन फैक्टोरियल को 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल रखते हैं और इन सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो एन क्यू अपॉन एन फैक्टोरियल की जगह पे ये लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 बाई एन माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है। अब इन सब का एक्सप्रेशन हम लोग यहां से यूज कर रहे हैं। इन सब में क्या है, सिग्मा है, एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी है। इन सब सिग्मा पे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। तो 1 अपॉन एन माइनस 1 तो 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, और इधर से 1 अपॉन ये 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, जो कि इस एक्सप्रेशन को करेक्ट करेगा। इसका अंदर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक शुरू होगी, तो इसकी वैल्यू ई होगी। एन इक्वल्स टू 0, 1 इसके सेटिस्फाई नहीं करेगा, कितना सेटिस्फाई करेगा, 2 सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा 3e। उसी तरह ये कितना हो जाएगा e, और 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते तो वो देख लीजिए। तो e की वैल्यू क्या है, सिग्मा n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा e इक्वल्स टू इधर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और 1 बाई ई का अगर एक्सप्रेशन रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 0 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और इन दोनों को अगर एक बार प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा ई प्लस 1 बाई ई, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 बाई 0 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और अगर मैं माइनस करूं तो e माइनस 1 बाई e की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां पे अगर सिग्मा अप्लाई होगा तो यहां पे ऑड वाला टर्म चलेगा, और यहां पे सिग्मा अप्लाई होगा तो इवन वाला टर्म चलेगा। ऑड वाले के लिए वी विल राइट दिस e माइनस 1 बाई ई अपॉन ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड होने के लिए, और इवन वाले में क्या करेंगे e प्लस 1 बाई ई अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो इन सब की जो वैल्यू है उन सब की वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल e के टर्म में आता है वो हमने कैलकुलेट करके रखा है, वो बता रहा हूं। वो सब वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आती है 5e माइनस 1 बाई ई, और इस 5e माइनस 1 बाई ई को कैलकुलेट करेंगे यहां से तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे e है, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी चाहिए, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 0 माइनस 1, डेट मीन्स वैल्यू फाइनल कितनी आएगी, यहां से b की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, c की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 26, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 26। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 26 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया गया है एबीसी 1 से बड़ा है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू एपी में है, लॉग बी बेस ए लॉग ए बेस सी लॉग सी बेस बी क्या है जीपी में है, सम ऑफ फर्स्ट
20 टर्म्स एपी, जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है, माइनस 444 है, तो मुझे एबीसी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बताते हैं। इसने क्या बोल रहा है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या है, एपी में है। फिर क्या बोल रहा है, लॉग सी बेस बी लॉग ए, इसने बोला है लॉग बी बेस ए लॉग ए बेस सी लॉग सी बेस बी जीपी में है। ठीक है, अगर ये जीपी में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ए बेस सी अपॉन लॉग बी बेस ए इक्वल्स टू लॉग सी बेस बी अपॉन लॉग ए बेस सी होगा। इसमें कोई डाउट है? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ए बाई लॉग सी बेस चेंजिंग थ्योरम, और इधर क्या हो जाएगा, लॉग बी बाई लॉग ए इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग सी बाई लॉग बी अपॉन लॉग ए बाई लॉग सी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से लॉग ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा लॉग स्क्वायर ए अपॉन लॉग आ जाएगा लॉग सी इंटू लॉग बी, और इधर से आ जाएगा लॉग स्क्वायर सी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से ए इक्वल्स टू सी आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा ए इक्वल्स टू सी आ जाएगा। अब ए इक्वल्स टू सी आ जाएगा तो यहां से मैं 2bq इक्वल्स टू ए क्यू प्लस सी क्यू लिख सकता हूं, तो a इक्वल्स टू सी पुट करूंगा तो b की भी वैल्यू ये आ जाएगी और c की भी वैल्यू ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू c है, राइट। अब मुझे क्या बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म a प्लस b a प्लस 4b प्लस c है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फर्स्ट टर्म जो है a प्लस 4b प्लस c है, तो कैपिटल a फर्स्ट टर्म ले रहा हूं और इसको मैंने लिखा a प्लस 4b प्लस c बाई 3। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू इसमें पुट करेंगे सबको a के टर्म में, तो यहां से 2a आ जाएगा। उसी तरह कॉमन डिफरेंस कितना है, a माइनस 8b प्लस c बाई 10, तो सबको एक ही टर्म में लिखेंगे तो a प्लस ए टू ए माइनस सिक्स ए अपॉन 10 कितना हो जाएगा, माइनस 3a बाई 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है एस 20 की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस 444 दी गई है। एस 20 की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस 444 दी गई है, तो यहां पे यूज करेंगे n बाई 2, डेट मीन 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म डेट इज 2a प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस 3a बाई 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 444। अब इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब बस इस कैलकुलेट इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जो कि a में है और a की वैल्यू निकल जाएगी तो abc निकल जाएगा और a इंटू बी इंटू सी निकालना है, तो फटाफट हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 2a डेट मीन 40a, और इधर से 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 19 3 जा 57, 2 जा कितना हो जाएगा 114, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 444। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 444 अपॉन माइनस 74, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये, तो a की वैल्यू आ रही है 6, a की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो b भी 6 आएगा c भी 6 आएगा, तो a b c की वैल्यू क्या होगी 6, तो मुझे a इंटू बी इंटू सी निकालना है, तो a इंटू बी इंटू सी कितना हो जाएगा
216। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 216। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है y इक्वल्स टू वन लाइन पे, तो मुझे ए बी सी डी ई एफ सब ये सब जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, ए बी सी जीपी में है, तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन एपी में है कौन जीपी में, राइट। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू जीरो, और एक इक्वेशन दिया गया है डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। ये बोल रहा है y इक्वल्स टू वन लाइन के अबाउट क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब y इक्वल्स टू वन इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये सेटिस्फाई करता है तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि y की वैल्यू मैंने वन पुट कर दिया। उसी तरह यहां पे y की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है एबीसी जीपी में है, क्या बोल रहा है, एबीसी जीपी में है। अगर एबीसी जीपी में है तो मैं यहां से लिख सकता हूं बी स्क्वायर की वैल्यू एसी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस टू बी की वैल्यू रूट एसी लिख देता हूं, एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका मतलब क्या, इसके रिपीटेड रूट्स आएंगे, इसके क्या आएंगे, रिपीटेड रूट्स आएंगे, और रिपीटेड रूट्स है और इसमें बोला है कि एक सॉल्यूशन है, राइट, इंटरसेक्ट कर रहा है एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक कॉमन सॉल्यूशन है और पहला इक्वेशन का दो रिपीटेड रूट्स है, इसका मतलब इसका भी सेम रिपीटेड रूट होगा, इसका मतलब ये क्या है कि इन दोनों का जो नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या है, सेम आएगा, इसका मतलब इन सब के नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, दोनों के दोनों रूट इसके कॉमन सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बोथ रूट्स आर कॉमन उसकी कंडीशन लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए बाई डी इक्वल्स टू टू बी बाई टू ई इक्वल्स टू सी बाई ए, राइट, a by d equals to 2b by 2e equals to c by a। क्या किया हमने, a1x square plus b1x plus c1 equals to 0, a2x square plus b2x plus c2 equals to 0, अगर इसके दोनों रूट्स कॉमन है तो a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 होगा, वही हम लोग ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बोल रहा है a by d b by e और c by f क्या है, इक्वल है। तो इसको अगर मैं पलट दूं तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई ए इक्वल्स टू ई बाई बी इक्वल्स टू एफ बाई सी, ठीक है। तो ये सब आपस में इक्वल है, तो डी बाई ई बाई बी और एफ बाई सी आपस में इक्वल है, तो ये सब क्या होगा, एपी में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या है, डी बाई ए बाई बी और एफ बाई सी सब आपस में इक्वल है तो वो एपी में होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, मुझे एट्थ कॉमन टर्म निकालना है इस सीरीज का, एट्थ कॉमन टर्म निकालना है इस सीरीज का, ठीक है। तो एस वन की वैल्यू ये दी गई है, एस टू की वैल्यू ये दी गई है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है, ठीक है। तो एक एपी चल रहा है 3 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट, और ये एस वन एपी है, और एक एस टू एपी चल रहा है, वो है 1 6 11 16 21 डॉट डॉट डॉट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसका पहला कॉमन टर्म अगर मैं ढूंढ लू तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसका अगर मैं पहला कॉमन टर्म ढूंढू तो इस टर्म को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 23 27, फिर आ जाएगा
31, 35 ... इसको और आगे मैं बढ़ाऊं तो कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 5 5 ऐड करते चलते हैं, तो 26 5 31 5 36 ... ठीक है। तो इसका हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला कॉमन टर्म क्या है, 31 आया। इसका पहला कॉमन टर्म कितना है, 31 आया है। उसी तरह हम और आगे बढ़े तो ये आ जाएगा 41 46 51, इधर क्या आ जाएगा 39 43 47 51। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगला जो कॉमन टर्म आएगा वो क्या आएगा, 51 आएगा। अगला जो कॉमन टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो हमारा टर्म चल रहा है 31 51 ... ठीक है। तो मुझे आठवां कॉमन टर्म बताना है इस एपी का, आठवां कॉमन टर्म बताना है इस एपी का, जो कि ये फर्स्ट टर्म हो गया और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 20 आ गया। तो इसका मुझे T8 बताना है, तो ठीक है T8 बताते हैं। तो T8 कितना हो जाएगा, A+7D, क्या आ जाएगा, A+7D। तो A की वैल्यू कितनी है, अच्छा इससे पहले इससे पहले एक और कॉमन टर्म है 11, मतलब इससे पहला टर्म जो है वो 11 है, तो इसका फर्स्ट टर्म 11 होगा, राइट। तो 11 + 7 × 20, इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 151। इसका मतलब इसका आठवां कॉमन टर्म क्या होगा, 151। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, y = fx एक पैराबोला है जिसका फोकस है -1/2, 0, और इसका डायरेक्ट्रिक्स y = -, आप दिया गया है। f = x belongs to real number, tan inverse √fx + sin inverse √fx + 1 = π/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं किसी तरह fx की वैल्यू निकाल लूं तो हमारा काम हो जाएगा। fx क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है जिसका फोकस क्या है, -1/2, 0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y = -1/2। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसमें पैराबोला के बेसिक इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये y = -1/2 है, ये y = -1/2 क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, और फोकस क्या है, -1/2, 0, फोकस क्या है, -1/2, 0। ठीक है, ये हमारा फोकस है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूं तो ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, तो ये डिस्टेंस क्लियरली हाफ है। ठीक है, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a। तो इसको मैं 2a से इक्वेट कर दूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। ठीक है, मैंने क्या किया, इस डायरेक्ट्रिक्स और इस फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाला जो कि 1/2 आया, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। और हम लोग क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकल गई, हमारा इक्वेशन इसके टर्म में क्या होगा, x² = 4ay, राइट, x² = 4ay। तो a की वैल्यू तो निकली हुई है, तो x² की वैल्यू कितनी हो गई, y। अब मुझे कैपिटल x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है वो वर्टेक्स आ जाएगा, और वर्टेक्स कितना आएगा, -1/2, -1/4। ये हमारा वर्टेक्स आ जाएगा, 0 और -1/2 का मिड पॉइंट, राइट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, मैं
मैं यहां से लिख सकता हूं एक्स एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस वन बाई फोर। ठीक है, हमने क्या किया, वर्टेक्स निकाल लिया, वर्टेक्स के हिसाब से ये इक्वेशन निकाल लिया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई फोर इक्वल्स टू वाई प्लस वन बाई फोर। इस वन बाई फोर से ये वन बाई फोर कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गई। ठीक है, और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गई, इसका मतलब एफ एक्स ही यही है, एफ एक्स ही यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब एफ एक्स की वैल्यू आ गई, तो अब हम सारी इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं हटाता हूं, तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स रूट एफ एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू पाई बाई टू। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि x इंटू एक्स प्लस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो रूट डिफाइन होगा। ठीक है, और यहां से मैं क्या लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आप इसका चेक कीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है ही, लेकिन इसके साथ साथ साइन को डिफाइन होने के लिए इसको लेस देन और इक्वल टू वन बनना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो, और यहां से क्या आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो क्लोज सॉरी माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो से इंफिनिटी, राइट। तो बोल रहा है एक्स माइनस इंफिनिटी से माइनस वन होगा, जीरो से इंफिनिटी के बीच में होगा, और यहां भी बोल रहा है एक्स माइनस वन और जीरो के बीच में होगा, इन सबको अगर मैं इंटरसेक्ट लूं तो एक्स की दो ही वैल्यू आएगी जो कि माइनस वन होगी और एक जीरो होगी। अब यहां पर यह नहीं है कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया दो वैल्यू आई तो ऑप्शन को टिक मार्क कर दूं, हमें दिए गए इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराना है कि वाकई ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू वन और जीरो, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एफ जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स जीरो और ये साइन इनवर्स वन, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, साइन इनवर्स वन पाई बाई टू होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू अगर मैं वन पुट करूं तो एफ वन कितना हो जाएगा टू, तो इधर आ जाएगा टेन इनवर्स रूट टू प्लस साइन इनवर्स यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स रूट टू प्लस साइन इनवर्स इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो है वन और जीरो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट, दैट इज कंटेंस एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, दो एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये एपी का क्वेश्चन है जो कि मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व होगा, राइट। इसमें बोल रहा है ए वन ए टू ए थ्री क्या है, एपी में है, और ए फाइव की वैल्यू टू ए सेवन के इक्वल है और ए इलेवन की वैल्यू एटीन के इक्वल है, तो मुझे इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो वैल्यू की डिमांड होगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इसको मैं 12 बाई डी, तो इसको डी लिख सकता हूं, इसको डी लिख सकता हूं, इसको डी लिख सकता हूं, राइट। और डी की वैल्यू
जो कि कॉमन डिफरेंस है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A11 माइनस 18, कॉमन डिफरेंस यही होता है, कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट A11। उसी तरह यहाँ पे A12 माइनस A11 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी चीज की डिमांड है, राइट। ऐसे ये A18 माइनस A17 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा अंडर रूट A17 प्लस अंडर रूट A18। ठीक है, ये स्टेप तो समझ में आ ही गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहे हैं, √A11 का स्क्वायर माइनस √A18 का होल स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √A11 माइनस √A10 into √A11 plus √A10, राइट। तो इसको अगर मैं इससे कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा √A11 माइनस √A10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 by D √A11 माइनस √A10। उसी तरह ये आ जाएगा √A12 माइनस √A11, और ये चलता रहेगा, ये आ जाएगा √A18 माइनस √A17। ठीक है, ये तो इजी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये ऐसे टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला टर्म आखिरी वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये टर्म और ये टर्म, तो ये आ जाएगा 12 by D, और ये आ जाएगा √A18 माइनस √A10। क्लियर है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, A18 और 18 की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उस इक्वेशन का यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या है, A5 इक्वल्स टू 2A7, तो A5 को मैंने लिख दिया A+4D इक्वल्स टू 2A7, तो A7 को लिख दिया A+6D। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, A+8D इक्वल्स टू 0, ठीक है, A+8D इक्वल्स टू 0, ये एक रिलेशन आ गया, और एक रिलेशन यहाँ पे A11 इक्वल्स टू 18 है, तो मैं इसको A+10D इक्वल्स टू 18 लिख सकता हूँ। A की वैल्यू -8D यहाँ पुट करते हैं तो 2D की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। एक तो D की वैल्यू 9 आ गया, दूसरा क्या है, A की वैल्यू निकालना है, तो A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -72, D की वैल्यू 9 और A की वैल्यू क्या आ गई, -72। अब ये सब निकल गया तो मुझे A18 चाहिए, तो A18 निकाल लिया, A+17D, A की वैल्यू क्या है, -72 plus 17 9 जा 153। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 81 आ जाएगा, तो अंडर रूट A18, D की वैल्यू कितनी आ गई, 9, तो 12 by 9, अंडर रूट A18 अंडर रूट 81 कितना आ जाएगा, 9, माइनस A10 निकालना है, तो A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A+90, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है -72 plus 9 into D की वैल्यू कितनी है, 9, दैट मीन्स ये कितना सॉल्यूशन आ जाएगा, 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9, दैट मीन्स 3, तो ये आ जाएगा 12 into 6 upon 9, और इन सबको कैंसिल करने के बाद रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन नैरेट करते जाए वैसे वैसे हम नैरेट करेंगे। इसमें क्या है, A1 A2 A3 क्या है, AP में है, A7 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, A7 की वैल्यू 3 दिया गया है, प्रोडक्ट A1 इंटू A4 क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, A7 की वैल्यू को 3 रखा, तो A7 मतलब क्या हो जाएगा, A+6D इक्वल्स टू 3, राइट, ठीक है। इसने बोला A1 A4 मिनिमम है, तो A1 को A लिखा, A4 को A+3D लिखा, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे A की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये आ रहा है 3 माइनस 6D, तो A1 A4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसमें पुट कर दिया 3 माइनस 6D,
और इधर कितना आ जाएगा, 3 - 6D + 3D, डेट मीन 3 - 3D, क्लियर है। अब मुझे A1 A4 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहां से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो 9D - 1 2D - 1 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो A1 A4 कितना आ जाएगा, 9 2D² - 3D + 1, ठीक है। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए डी की क्या वैल्यू होती है, ऑब्वियसली -b/2a, तो यहां से यूज करेंगे तो -3/2a, यही डी की वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 3/4 आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गया, 3/4। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए a = क्या हो जाएगा, 3 - 6 × 3/4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 3 3 2 6 - 3/2, तो ए की वैल्यू -3/2 है और डी की वैल्यू क्या है, 3/4 है। अब मुझे जो वैल्यू निकालना है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसने बोला है एन टर्म्स क्या है, जीरो है, एन टर्म्स क्या है, जीरो है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tn = 0, एन की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू -3/2 है, ये n - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3/4, = कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से एन की वैल्यू निकालनी है तो निकालते हैं, इसको मैं 2 लिख देता हूँ, इसको मैं 2 लिख देता हूँ, 2 2 = 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, n की वैल्यू 3 आ रही है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 फैक्टोरियल - 4 × एन की वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 + 2 3 × 5 15 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, मुझे 4a15 की वैल्यू चाहिए, तो a15 निकालने के लिए मुझे a पता है, d पता है, तो मैं a + 14d लिख सकता हूँ, और a की वैल्यू क्या है, -3/2 14, d की वैल्यू क्या है, 3/4, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 = 21 -3 18/2, डेट मीन्स 9, तो a15 की वैल्यू क्या है, 9, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट मैं इसका आंसर चेक करता हूं, यहाँ पे n की वैल्यू थोड़ा सा एरर है, इसको एक बार करेक्ट करते हैं, tn क्या है, 0 है, tn 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -3/2 + अच्छा यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या है, 0 है, tn 0 नहीं है, sn 0 है, आई एम सॉरी लेट्स कैलकुलेट इट, तो ये आ जाएगा n/2, ये आ जाएगा 2 × a, तो ये आ जाएगा 2 × a, a की वैल्यू है -3/2 + n - 1 × कॉमन डिफरेंस कितना है, 3/4 है, = 0, तो ये तो 0 नहीं होगा, इसको 0 होना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -3 + 3 × n - 1/4 = 0, तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल - और मुझे क्या चाहिए, 4a5 × 7 835 की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है 835 निकालते हैं, तो 835 कितना हो जाएगा, a + 34d,
तो ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू है -3/2 +34 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 3/4, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 51/2, तो इसको सॉल्व करने पे 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा एन एफ 5, तो ये आ जाएगा 5 120 -4 इंटू 24, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा 24, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, 1s² -2 × 3s² +3 × 5s² -4 × 7s² 5 × 9s², इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो सीक्वेंस में ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये ऐसे आ जाएगा 1s² +3 × 5s² +5 × 9s² +15 × 29s². उसी तरह एक ये चलेगा 2 × 3s² -4 × 7s², ये आ जाएगा 6 × 11s² .. ठीक है, तो मैं इसको 1 × 1s² लिख सकता हूं। तो इस स्पेशल सीरीज जो है, ठीक है, इसका अगर मुझे समेशन चाहिए तो मैं इसका फर्स्ट आरएच टर्म क्या लिख सकता हूं, तो इसका आरएच टर्म लिख सकता हूं इस 1, 3, 5, 7 इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो इसको मैंने लिख दिया 2, और आर की वैल्यू 1 रखा तो 2 आया, मुझे 1 बनाना है तो -1 2r-1, और इसको क्या लिखा 1, 5, 9 इन सब का कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो 4r, r की वैल्यू 1 रखा तो 4, लेकिन मुझे चाहिए 1, तो -3 का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया। आर की वैल्यू कहां से कहां तक शुरू हो रही है, तो 1 से लेकर शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, तो आर की वैल्यू 8 तक जा रही है। ठीक है, आर की वैल्यू कहां तक जा रही है, 8 तक जा रही है। उसी तरह यहां पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें क्या है, इसको देखिए 2, 4, 6 .. तो इसको क्या लिखते हैं 2r। ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना 3, 7, 11, दैट मींस 4r, तो ये आ जाएगा 4r-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये जो है r की वैल्यू कहां तक जा रही है, तो r की वैल्यू 1 से शुरू है और 8 तक जा रही है। नहीं, ये 8 तक नहीं है, ये 7 तक है। ठीक है, अब मुझे बस ये दोनों सिग्मा को सॉल्व करना है। इन दोनों सिग्मा को सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 8 2r-1, और इधर आ जाएगा कितना 4r-3 का होल स्क्वायर, डेट मीन 16r² +9 - 24r -σr(1-7) 2r 16r² +1 - 8r। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आर क्यू का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या आएगा, सिग्मा आर क्यू इज नथिंग बट n × n+1 2n+1/6। सिग्मा आर की वैल्यू लिखेंगे n × n+1/2, और सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे n + 1 2n+1/6। ठीक है, और यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी वो 8 रखेंगे, और इधर जो r की वैल्यू आएगी वो 7 रखेंगे। तो जो फाइनल कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेट करके आता है, वो मैंने कैलकुलेट किया है, मैं बता रहा हूं इनसे। तो इसका फाइनल आंसर 6952 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस पूरे को वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मुझे 10 टर्म का समेशन चाहिए, जिसमें 1/1s² + 1^4 है, 2/1+2s² + 2^4 है .. इस सीक्वेंस का मुझे क्या चाहिए,
10 टर्म का समेशन चाहिए, तो क्या मैं इसका आरएच टर्म लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। आरएच टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर आर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4, ठीक है, यही लिखा गया। अब क्या मैं इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, आर अपॉन, इसको मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, ठीक है। अब मुझे पता है कि इन दोनों का अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो 2r आ जाएगा, तो इसको मैंने 2r और 1/2 लिख दिया, क्योंकि मुझे मेथड ऑफ डिफरेंस क्रिएट करना है। तो tr को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, राइट। तो इसको अगर मैं अलग करूंगा तो टीआर कितना आ जाएगा, 1/2, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर आ जाएगा, क्लियर है। अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। तो मैं यहां पे टी वन लिख रहा हूं, टी वन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1, डेट इज 1/1 माइनस 1/3। टी टू कितना हो जाएगा, टी टू आ जाएगा 1/2, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 माइनस 2, दैट इज 3, 1/3 माइनस इधर पुट करेंगे तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 2 6 1 7, 1/7। टी थ्री पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, और इधर कितना आ जाएगा, 9 1 10 माइनस 3, डेट मीन्स 1/7 माइनस 1 अपॉन 9 1 10 13, ठीक है। और लास्ट में मुझे क्या पुट करना है, लास्ट में हमें 10 पुट करना है, तो 10 में पुट कर रहा हूं तो ये आ जाएगा डॉट 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 टी 10 इक्वल्स टू 1/2, और इधर आ जाएगा 100 प्लस 1 101 माइनस 10 1 अपॉन 91, ठीक है। मैंने क्या किया, आर की वैल्यू 10 पुट कर दिया, क्योंकि 10 टर्म का समेशन चाहिए, तो 100 101 माइनस 10, और इधर कितना आ जाएगा, 100 101 111, और इसको मैं हटा रहा हूं। अब मुझे बस इसी का एडिशन चाहिए, तो एडिशन कर दिया। एडिशन जब करेंगे तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म, तो एडिशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1/2, इधर बच रहा है 1 माइनस इधर बच रहा है 1 अपॉन 111, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 111 into 2, इसको सॉल्व करने के बाद 55/111 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया A1 8 है, A2 A3 ये सब क्या है, एपी में है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 8 है, मैं ऐसे लिख रहा हूं 8 A2 A3 डॉट 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 AN एपी में है। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स 50 है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स क्या है, 50 है। तो मैं S4 को क्या लिख रहा हूं, 50, सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स कितना है, लास्ट फोर टर्म्स का सम कितना है, 170 है, ठीक है। तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स चाहिए, बिल्कुल बताएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मुझे 4 टर्म्स का समेशन दिया गया, तो व्हाट विल वी डू, वी विल यूज द फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा 4/2 2a
तो 2 into a की वैल्यू 8 है, ये 4 minus 1 3d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 25 माइनस 16 9 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब मुझे लास्ट 4 टर्म्स का समेशन चाहिए, तो लास्ट 4 टर्म्स हम निकालते हैं, यहां से n की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो उसके पहले क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, उसके बाद a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, और उसके पहले क्या आ रहा है, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इन सबको ऐड करने पे 170 आ रहा है, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4a प्लस इधर आ जाएगा 4n, और ये आ जाएगा 1 2 3 3 6 माइनस 4 डेट इज 10d इक्वल्स टू 170। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि मुझे a और d पता है, तो a और d पता है तो मुझे n की वैल्यू निकल जाएगी। तो a कितना आया था, 8 आया था, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, 4n माइनस 10। d की वैल्यू कितने है यहाँ पे, 3 है, तो ये यहाँ पे 3 लिख रहा हूं, इक्वल टू कितना आ जाएगा 170, ठीक है। तो 170 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा 138, ठीक है। 138 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, तो 138 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये आ रहा है 46। 46 में अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो 56 आएगा, और 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो n की वैल्यू 14 आएगी। तो n की वैल्यू 14 आ गई, तो मुझे मिडिल टू टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए। मिडिल टू टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो इसका एक मिडिल टर्म होगा n बाई 2 डेट मीन्स t7, और एक मिडिल टर्म होगा t8, राइट। तो t7 इंटू t8 की वैल्यू चाहिए, तो t7 कितना आ जाएगा, तो a प्लस a की वैल्यू कितनी 8 प्लस 6 इंटू डी, डेट मीन्स 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, और इधर क्या आ जाएगा a प्लस दैट मीन्स 8 प्लस 7 इंटू डी, 7 3 21, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 29, और इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 754। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 754। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 754, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, अटेम्प्ट कीजिए। So we have this question where we have been given that the number of 3-digit numbers जो कि divisible है या तो 2 से या 3 से, लेकिन 7 से divisible नहीं है, ऐसे कितने number से ये बताना है, ठीक है। तो number of 3-digit numbers पहले तो ये find out कर लेते हैं। तो ये 100 से शुरू होगा, 101 तक जाएगा, और ये कहाँ तक चले जाएगा, 999 तक। तो ऐसे कितने numbers होंगे, तो 900 number होंगे, ठीक है। अब इसने बोला है कि या तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं 2 से कितने डिविजिबल नंबर होंगे, 3 से कितने डिविजिबल नंबर होंगे, 7 से कितने डिविजिबल नंबर होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं डिविजिबल, मुझे कौन कौन सा डिविजिबल का पता लगाना, तो 2 3 और 7 का, तो अगर मैं बोलूं डिविजिबल बाई 2 कितने होंगे, तो उसके लिए तो 900/2 करना पड़ेगा, तो ये 450 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर्स होंगे, तो 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 300, ठीक है। और अगर मैं बोलूं डिविजिबल बाय 7 कितने नंबर होंगे, तो उसके लिए 900/7 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 और 2 8, ये कितना आ जाएगा 1 2 8 नंबर्स, ठीक है। सबका जीआईएफ लेते, ये तो आपने बेसिक है पढ़ रखा है। अगर मैं बोलूं डिविजिबल बाय 2 एंड 3 कितने ऐसे होंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं 2 एंड 3 का एलसीएम लेते हैं, जो कि 6 आएगा, तो 900 को
सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150। उसी तरह अगर मैं 2 and 7 करूं तो 2 and 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। तो 900/14 का अगर मैं जीआईएफ लूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 6 84, 60 डेट मीन 64। उसी तरह अगर मैं बोलूं डिविजिबल बाय 7 and 3, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बॉक्स ऑफ 900/21, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 81 21 4 जा 84, 60, तो यहां से आ जाएगा 42। ठीक है, तो 7 and 3 से कितना हो गया, 42। अगर मैं बोलूं डिविजिबल बाय 237, तो 237 कितना हो जाएगा, 237 का एलसीएम कितना होता है, तो ये होता है 42, राइट। तो यहां से करेंगे कैलकुलेट, तो 900/42 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो सब नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल है 2 से या 3 से, बट नॉट डिविजिबल बाय 5। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविज नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, टोटल जितना मतलब 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, उन सबको ऐड करता हूं, फिर उसमें ओवर काउंटिंग होगी, वो सब ओवर काउंटिंग होगी, जो 2 और 3 से डिविजिबल हो रहे होंगे, जो 3 और 7 से डिविजिबल हो रहे होंगे, जो 2 और 7 से डिविजिबल हो रहे होंगे, जो 2 3 7 सबसे डिविजिबल हो रहे होंगे, उन सबको सब्सट्रैक्ट करना, ध्यान ये रखना है कि वो नॉट डिविजिबल बाई 7 भी हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे टोटल नंबर इक्वल्स टू 450, मतलब डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, प्लस डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, और डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए। अच्छा, मुझे डिविजिबल बाई 7 नहीं चाहिए, तो डिविजिबल बाई 7 का टर्म मुझे हटाना पड़ेगा। अब मुझे इस सब में क्या क्या ओवर काउंटिंग हो गई, जो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो कितने हैं, 150। जो 2 और 7 से डिविजिबल है वो कितने हैं, 64, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। और इधर कितना हो गया, जो 7 and 3 से डिविजिबल है वो कितने हो गए, 42। ठीक है, और जो 2 3 7 से डिविजिबल है वो भी तो ओवर काउंटिंग हो रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये आ जाएगा 450 + 300 - 150 - 64 - 42 + 21, और इस सबको ऐड कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 514। इस सबका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 514। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ कॉमन टर्म्स, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ कॉमन टर्म्स फॉलोइंग थ्री अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीन अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है। इन सब में बोल रहा है जितने भी कॉमन टर्म्स है उनका एडिशन निकालो, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो एपी है वो है 3 7 11 15 ... 399, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा टर्म लिखता हूं, क्योंकि मुझे फाइंड आउट तो करना पड़ेगा कि कॉमन टर्म कौन कौन सा है। तो 4 के गैप में मैं 19 लिख रहा हूं, 23 लिख रहा हूं, 27 लिख रहा हूं, 31 लिख रहा हूं, और 35 लिख रहा हूं, 39, 43, 47, ... कहां तक है, 399 तक है, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, 2 5 8 11, 2 5 8 11 का अगर मैं, ये एपी वन है, ये एपी वन है, 2 5 8 11 का अगर मैं करूं तो ये एपी टू है, 5 8 11 ... तो इसको और मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का गैप है, 14 17 20 23 26 29 32 35 ... 399, क्लियर है, सॉरी 359 तक जाना है।
फिर एक एपी थ्री है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, दो है, कॉमन डिफरेंस पांच है, जो कि चल रहा है 12, 17, 22, 27, 32, 37 और 42, 47 ये कहां तक जा रहा है, 197 तक जा रहा है। ठीक है, इसको और मैं आगे बढ़ाऊं तो ये आ जाएगा 38, 41, 44, 47। अब मुझे देखना है कौन कौन सा टर्म कॉमन है, तीन है क्या, नहीं है, सेवन है क्या, नहीं है, सेवन इसमें तो है इसमें नहीं है, इलेवन है क्या, नहीं है, फिफ्टीन है क्या, नहीं है, नाइनटीन है क्या, नहीं है, 23 है क्या, नहीं है, 27 है क्या, नहीं है, 31 है क्या, नहीं है, 35 है क्या, नहीं है, 39 नहीं है, 43 है क्या, 43 भी नहीं है, 47 है, 47 मतलब पहला जो कॉमन टर्म है वो क्या है, 47 है। ठीक है, अब दूसरा कॉमन फाइंड आउट करने का एक इजी मेथड क्या है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस है 4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस है 3, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस है 5। तो हमें क्या करना है, D1, D2, D3 का एलसीएम ले लेना है। तो 4, 3, 12, 4, 3 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूं तो ये कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब ये है कि अगला जो टर्म आएगा वो 60 के गैप पे आएगा, तो इसमें 60 ऐड करेंगे तो 107 आएगा, फिर 60 ऐड करेंगे तो 167 आएगा, और 60 ऐड करेंगे तो 227 आएगा, जो कि इसको बियॉन्ड कर जाएगा। इसका मतलब तीन ही टर्म है जो इस गिवन एपी का कॉमन टर्म्स होगा, राइट। तो मुझे बोल रहा है इन तीनों टर्म्स का एडिशन बताओ, तो ये आ जाएगा 47 + 107 + 167। तो ये कितना आ जाएगा, 167 + 7 = 321। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 321, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चे लोग हम लोगों ने इसका डिस्कशन कर लिया जनवरी शिफ्ट सिक्वेंशियल सीरीज का। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम लोग अप्रैल शिफ्ट का डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए ऑरस एकेडमी के साथ, मिलते हैं, बाय।